ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ध्यान ध्यान में कितनी ताकत होती है, क्या ताकत है ध्यान, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान में क्या ताकत है, ध्यान साधना का क्या महत्व है। जब 100 लोग एक साथ साधना करते हैं तो उत्पन्न जो लहर होती है वो लहर 5 किलोमीटर तक फैलती है और नकारात्मकता नष्ट करके सकारात्मकता का निर्माण करती है। आइंस्टीन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा है या कहा था कि एक अणु के विघटन से जगत के अणु का विघटन होता है, इसी को हम अणु विस्फोट कहते हैं। यही सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हजारों साल पहले दिया था। आज पृथ्वी पर केवल 4% लोग ही ध्यान करते हैं, लेकिन बचे 96% 96% लोगों को इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम भी लगातार 90 दिनों तक ध्यान करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे और हमारे परिवार पर दिखाई पड़ेगा। अगर पृथ्वी पर 10% लोग ध्यान करने लगे तो पृथ्वी पर विद्यमान लगभग सारी समस्याओं को नष्ट करने की ताकत ध्यान में है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो महर्षि महेश योगी जी सन 1993 में वैज्ञानिकों के समक्ष सिद्ध किया था। हुआ था यूं कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 4000 अध्यापकों को बुलाकर एक साथ ध्यान मतलब मेडिटेशन करने को कहा और चमत्कारिक परिणाम यह था कि शहर का क्राइम रिपोर्ट 50% तक कम हो पाया गया। वैज्ञानिकों को कारण समझ नहीं आया और उन्होंने इसे महर्षि इफेक्ट का नाम दिया। तो ये ताकत है ध्यान की। ध्यान में हम हमारे भौतिक और आध्यात्मिक यश को कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक साध सकते हैं। जरूरत है ध्यान से स्वतः को खोजने की, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है ना। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान देने करने की विधि भी बताई है। भागवत में भगवान कृष्ण ने ध्यान यानी मेडिटेशन पर अपने गहरे विचार व्यक्त किए हैं। वैसे इन दिनों ध्यान फैशन का विषय हो गया है। वैष्णव लोगों ने कर्मकांड पर खूब ध्यान दिया है, लेकिन वे ध्यान को केवल योगियों का विषय मानते रहे हैं। लेकिन भागवत में भगवान ने भक्तों के लिए ध्यान को भी महत्वपूर्ण बताया है। उद्धव जी ने प्रभु से पूछा कि हे भगवान, आप यह बतलाइए कि आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें हम लोग। भगवान कृष्ण बोले, भाई उद्धव, पहले आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाओ, हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग में जमा लें। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम के अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल, नालगत, पतले सुत के समान ओमकार का चिंतन करें, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं। प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। मेरा ऐसा स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़े ही सुडौल हैं, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमर अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल छिलमिल छिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा है। शिवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वच स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि अपने अपने स्थान पर चमकते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद है। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। इस चैतन्य अवस्था में साधक को शरीर और आत्मा के बीच भेदात्मक दृष्टि बनाए रखने में सहायता मिलती है।
तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।